हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है एक लड़का और एक भेड़िया। एक दिन एक भेड़ बकरी चराने वाला अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ पे उनको घास खिलाने ले गया था। वो वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी उसको एक तरकीब सूझी। वो अचानक से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। जब पहाड़ के नीचे जितने भी किसान रहते थे वो सब उसकी उस लड़के की मदद करने के लिए गए। तब वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई भी भेड़िया ना था। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। वो किसान बहुत गुस्से में आ गए। उन किसानों ने उस लड़के को चेतावनी दी, अगर अगली बार तुमने ऐसी शैतानी करी तो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। दूसरे दिन वह लड़का फिर से पहाड़ पर भेड़ चलाने गया। फिर उसने दोबारा से सोचा और वो दोबारा से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। फिर दोबारा से किसान उस लड़के की मदद करने गए और फिर वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी भेड़िया ना था। फिर वो लड़का दोबारा से जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर किसानों को बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से में वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जब वो लड़का भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो वहाँ पे सच में एक भेड़िया आया और वो उसकी बकरियों को खाने लगा। फिर वो लड़का डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया और फिर उस लड़के ने आवाज़ लगाई मदद के लिए, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। पर नीचे जितने भी किसान थे उनमें से कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया और भेड़िया सारी बकरियों को खा गया। तब उस लड़के को समझ आया कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम एक बार झूठे साबित होए तो हमेशा झूठे माने जाओगे। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।